फिल्म जवान के वीडियो लीक मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहरुख खान के हक में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जवान की लीक हुई क्लिप्स हटाने का आदेश दिया है। मंगलवार को हाई कोर्ट ने वेबसाइट सिर्फ टीवी प्लेटफॉर्म डायरेक्ट टू होम सर्विस के अलावा सभी प्लेटफॉर्म को जवान का कॉपीराइट उल्लंघन करने से रोक दिया है। दरअसल शाहरुख खान की फिल्म जवान 2 जून को रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रही है। इस बीच फिल्म का ट्रेलर आने से पहले ही सोशल मीडिया पर जवान के 2 वीडियोस लीक हो चुके हैं जो फिल्म के शूटिंग के दौरान के वीडियोस हैं। वीडियोस लीक होने के बाद शाहरुख खान और गौरी खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसे लेकर कोर्ट ने अब अपना फैसला सुना दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यूट्यूब, गूगल, ट्विटर और रेडीज जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिए हैं कि फिल्म जवान के कॉपीराइट कंटेंट को प्लेटफॉर्म पर दिखाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाए। जस्टिस सी हरिशंकर ने कई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को ऑर्डर दिया है कि उन चैनल के एक्सेस को ब्लॉक किया जाए जिसमें फिल्म से जुड़े कंटेंट दिखाए जा रहे हैं। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने हाई कोर्ट से शिकायत में बताया है कि फिल्म से जुड़े 2 वीडियो क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लीक हुए हैं। पहली क्लिप में शाहरुख खान से जुड़ा एक फाइटिंग सीक्वेंस था, वहीं दूसरी क्लिप एक डांस सीक्वेंस की थी जिसमें शाहरुख खान और नयनतारा नजर आ रहे हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कुछ फोटोग्राफर और वीडियोस फिल्म के सेट से लीक किए गए, ऐसे में कई सोशल मीडिया हैंडल फिल्म से जुड़े और भी वीडियोस लीक कर सकते हैं, ऐसे में इस पर रोक लगना जरूरी है। कोर्ट ने आगे कहा कि इस तरह की वीडियो और तस्वीरों के लगातार सामने आने से फिल्म के प्रमोशन पर असर पड़ेगा, साथ ही सिनेमा घरों में रिलीज होने पर पायरेसी को बढ़ावा मिलेगा। वहीं बात करें फिल्म की तो शाहरुख खान की जवान इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के जरिए अटली हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान के साथ नयनतारा स्क्रीन शेयर करती नजर आने वाली है, साथ ही विजय सेतुपति, योगीराज, सुनील ग्रोवर और सानिया मल्होत्रा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। वहीं खबर है कि अल्लू अर्जुन और संजय दत्त का फिल्म में कैमियो होने वाला है। खैर, आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, शेयर कीजिएगा अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में।